नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। लॉकडाउन 4.0 कल से गुजरात में लागू होने जा रहा है। तब सूबे के मुख्यमंत्री ने मास्क के बिना निकलते नागरिक और सार्वजनिक तौर पे थूकने वाले नागरिकों पे सख्ती बरतने की बात कही है। तब आज बड़ौदा पालिका प्रशासन की ओर से 12 वार्ड में 12 टीमें तैनात कर दी गई है। मास्क के बिना पकड़े गए नागरिकों से 200 रुपये जुर्माना, जबकि सार्वजनिक तौर पर थूकने वालों के पास से 100 रुपये जुर्माना वसूला जा रहा है। करीबन 13 लोगों को पालिका प्रशासन की टीम ने अब तक मास्क के बिना घूमते पकड़ा है और उनके पास से जुर्माना वसूला है। जे लोगों मास्क ना पहरियो हो, ए लोगों ने हमारा असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर साहेब जिग्नेश भाई गोयल साहेब तथा वार्ड ऑफिसर साहेब विजय भाई सोलंकी साहेब ना आदेश थी मसिया कांस पर रिलायंस सर्कल पर 200 ની પાવતી ફાડવામાં આવે છે। નવા નિયમ પ્રમાણે જાહેરમાં જે લોકો થૂકતા હોય એ લોકોને ભી દંડનીય કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે। કેટલું દંડ વસૂલવામાં આવશે થૂકનાર પર અને માસ્ક ના પહેરનાર પર? થૂકનારાઓ પર 100 રૂપિયા દંડની વસૂલાત કરવામાં આવે છે અને માસ્ક ન પહેર્યો હોય તે નયા નિયમ પ્રમાણે 200 રૂપિયાનો દંડ વસૂલ કરવામાં આવે છે। અત્યાર સુધી અત્રે 13 પાવતી જે માસ્ક ન પહેર્યા હોય એ લોકોની સમાધાન ફી પેટે વસૂલ કરે છે। 12 વોર્ડમાં 12 ટીમો ઊભી છે અને દરેક જગ્યાએ કામગીરી ચાલી રહી છે। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।